ये हमारा बेसिकली 120 स्क्वायर यार्ड का विला है। आप ठीक अंदर है। आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। बेसिकली जैसे आप अंदर आते हैं, घुसते के साथ ही आपका यहाँ पे गैराज स्पेस आ जाता है। ये पूरा आप देख सकते हो, लाउंज एरिया कंप्लीट फोर सीलिंग के साथ हम बना के दे रहे हैं। और इसी के ये मार्बल टॉप लगा होगा, एक बहुत ही ग्रैंड आपको लिविंग रूम स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप देखते हो कि बिग सीलिंग्स हैं। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है आपका? ठीक ठाक है, खैर खैरी से। दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह पे आपको लेके आए हैं, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी विलास जो है वो तकरीबन तैयार हुए हैं। हम लोग आए हुए हैं इस टाइम नॉर्थ टाउन विलास पे, और यहाँ पर जो है आने का मकसद ये है कि भाई ये लोग आपको जो है कम्प्लीट जो विलास हैं वो दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो इनकी क्या कॉस्ट है और घर कैसे बन रहे हैं, उसकी फर्स्ट फ्लोर कैसा है, सेकेंड फ्लोर कैसा है, ये तमाम चीज़ें, और उसकी जो कितनी कॉस्ट है, आपको डाउन पेमेंट कितनी पे करनी है, तकरीबन 4 साल की जो है ना वो आप जो है इसकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसको पे कर सकते हैं। यहाँ पर जो है तकरीबन 90% जो इस जगह का जो सोसाइटी का जो काम है वो तकरीबन जो है ना मुकम्मल हो चुका है। पानी की लाइनें यहाँ पर डल चुकी हैं, यहाँ पर मस्जिद बन चुकी है, तकरीबन 90% काम जो यहाँ पर डेवलपमेंट का है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो इमरान भाई हैं जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई इनके पास जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो आ जाएं, आपको विलास दिखाते हैं, उनकी क्या शेप है, किस डिज़ाइन पे बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो आ जाएं, और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच रहे। तो आ जाएं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी इमरान भाई दिखाएं क्या चाहिए। हमारा बेसिकली 120 स्क्वायर यार्ड का विला है। आप अंदर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। बेसिकली जैसे आप अंदर आते हैं, घुसते के साथ ही आपका यहाँ पे गैराज स्पेस आ जाता है। एक गाड़ी आपकी आराम से आ सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप आते हो तो यहाँ पे आपका ड्राइंग डाइनिंग हॉल है, ये आपके फैमिली के लिए प्राइवेसी सेपरेट रखी गई है। प्लस इसके अलावा अगर आप इस तरफ आप आके देखें सीधे हाथ पे ही तो अटैच बाथ है, आप इसको गेस्ट टॉयलेट भी कह सकते हैं। सही, 120 स्क्वायर यार्ड का विला है, इसके अंदर कंप्लीट फिनिशिंग के साथ फोर सीलिंग के साथ हम लोग विलास बना के दे रहे हैं। और मजीद ये है कि आप लाउंज एरिया में आओगे, अच्छी खासी ओपन स्पेस है यहाँ पे। सही, ये पूरा आप देख सकते हो, लाउंज एरिया कंप्लीट फोर सीलिंग के साथ हम बना के दे रहे हैं। और इसी के साथ आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेयर्स आ जाते हैं। स्टेयर्स के साथ साथ आप देखो नीचे एक अच्छी स्पेस भी बनी हुई है, जिसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूटिलाइज आप कर सकते हो। सही, आप इस तरफ आप आओ, किचन कैबिनेट्स वगैरह सब बना के GFS बिल्डर्स आपको देगा। सही, और ये मार्बल टॉप लगा होगा, सिर्फ आपको अपना चूल्हा और हुड जो है आपको अपना लेकर आना होगा, बाकी कंप्लीट सेम एज इज आपको बना के देंगे। इस तरफ आप आते हैं तो ये आप इसको डक एरिया भी कह सकते हैं, वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं, एंड सामने बेडरूम की विंडो भी ओपन है, तो सारे रूम्स अच्छे खासे हवादार हैं, वेंटिलेशन के लिए बेस्ट है। सही, ये पूरा ऊपर से ओपन है। जी अच्छा, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे जो आप पूरी फोर सीलिंग जो आप देख रहे हो जी, ये कंप्लीट एज इज आपको GFS बिल्डर जो है बना के देगा, और कंप्लीट फिनिशिंग के साथ। इवन के स्टेयर्स के ऊपर जो मार्बल्स लगे हुए हैं और रीलिंग वगैरह जो लगी हुई है, ये कंप्लीट फिनिशिंग के साथ आपको करके देंगे। इस तरफ आप आ जाए तो बेडरूम के अंदर आप आते हो, मास्टर बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का। सही, ठीक है, तो ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं, सीलिंग कंप्लीट अगेन GFS बिल्डर बना के देगा आपको। और अगर आप उस तरफ आप आते हैं तो आपका अटैच बाथ भी है। सबसे अच्छी चीज़ है कि हर रूम के अंदर अटैच बाथरूम मौजूद है, तो हर कस्टमर की अपनी प्राइवेसी के साथ वो लोग जो है क्या कहते हैं, अपनी प्राइवेसी के साथ वो लोग रह सकते हैं। तो दो कमरों के साथ ऐसा नहीं है कि एक ही खाली जो है बाथरूम है, बट यहाँ पे हर बाथरूम जो है हर रूम के साथ अटैच्ड है। पर आइए, आप ऊपर आते हो तो एक बहुत ही ग्रैंड आपको लिविंग रूम स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप देखते हो कि बिग सीलिंग्स हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है।
या सीलिंग के अंदर भी दो से तीन ऑप्शन है, वो आप चूज कर सकते हैं जिस तरह का आपको फोर सीलिंग चाहिए। सही। और लेआउट के अंदर अगर थोड़ा सा अगर आप माइनर चेंजेस भी करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। सही। आप फिर अगेन इस तरफ आते हैं तो ये स्पेस भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकती है। आप चाहो तो उसको अपना डाइनिंग स्पेस बना सकते हो। सही। डाइनिंग टेबल रख सकते हो, छह की डाइनिंग टेबल आराम से यहाँ पर आ सकती है। सही। फिर एक बेडरूम जो है हमारा इस तरफ है। अगेन आप देखें बहुत खूबसूरत सीलिंग बनी हुई है। सीलिंग के साथ साथ फिनिशिंग कलर पेंट वगैरह जो है आप चूज कर सकते हो, वो हम आपको करवा के देंगे। सही। और अगेन अटैच बाथ बेडरूम के साथ, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत टाइल्स और एसेसरीज वगैरह जो है लगी हुई है वहाँ पे। वेंटिलेशन वगैरह का भी है हर रूम में, ये सारा हवादार है। ठीक है। सेकंड बेडरूम में टोटल चार कमरे हैं हमारे विला के अंदर। ठीक है। दो बड़े लाउंज हैं। सही। और चार कमरे हैं। अगेन आप बेडरूम के अंदर आओ तो अगेन सीलिंग का काम है। सही। विंडोज यहाँ पे लगी हुई है, बड़ी बिग विंडोज लगी हुई है तो यूनिट काफी ब्राइट हो जाता है आपका। सारे कमरे आपके रोशन है, आपको ज्यादा लाइट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है ड्यूरिंग द डे। फिर हर रूम के साथ अटैच बाथरूम मिला हुआ है तो हर कमरे की अपनी एक प्राइवेसी मौजूद है। बेहतरीन। तो यहाँ पे आपको टेरेस या बालकनी दी गई है कि आप अपने शाम के टाइम पे अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम आप स्पेंड कर सकते हो आराम से। दो चेयर्स एक टेबल यहाँ पे आपकी लग सकती हैं। ये हमारी सोसाइटी है, विलास बहुत तेजी के साथ हम लोग कंप्लीट करके दिखा रहे हैं, बना रहे हैं और दे भी रहे हैं। जैसे आप पेमेंट प्लान चूज करोगे आगे जाके आपको मैं वो विलास भी दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोग फौरी पोजेशन देने वाले हैं जिन लोगों ने हमसे जल्दी पेमेंट प्लान के ऊपर चीजें ली है। ठीक है। यहाँ से अभी आपको ऊपर छत के ऊपर लेके चलता हूँ। सही। छत का व्यू भी देखते हैं, छत से कैसे नजारा आता है। बिल्कुल, छत से आपको पूरा मस्जिद भी दिखेगी। अच्छा। पार्क भी दिखेगा। सही। और छत बहुत अच्छी है, खुली है, हवादार है। ये हम इस वक्त छत के ऊपर आ गए। ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप हमारे मस्जिद यहाँ पे तैयार है ऑलरेडी। ठीक है। सही। एक पार्क उस तरफ सामने बना हुआ है इस प्लॉट के पीछे। सही। ये सामने आप जूम करके दिखा सकते हैं कि दो विलास हमारे वहाँ पे तैयार हो चुके हैं। हम लोग वेरी सून एक से दो महीने के अंदर पोजेशन देने वाले हैं। सही। इस तरफ विलास हमारे तैयार हैं, फ्रंट की तरफ हमारे पांच विलास तैयार हैं। सही। ठीक है। सोसाइटी का ये मेन 100 फीट चौड़ा रोड है। 100 फीट है जी। पानी की लाइनें, सेवरेज की लाइनें ऑलरेडी डल चुकी है, मजदूर काम कर रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। हम लोग जल्द से जल्द विलास यहाँ पे तैयार करके दे रहे हैं। ठीक हो गया। छत भी सही है, काफी स्पेशियस है। छत बहुत स्पेशियस है। मजे की बात यह कि बीच में कोई पिलर वगैरह नहीं है तो काफी आपका स्पेस अच्छी चीजों के लिए यूटिलाइज हो सकता है। कल को अगर आप अपना यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर वगैरह भी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। इमरान भाई, ये सिंगल स्टोरी है? ये वन यूनिट विला है, कंप्लीट ग्राउंड प्लस वन का यूनिट है। अच्छा। सिंगल स्टोरी वो सामने वाला है, आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को। सही, ये वाला। सही है। और ये जो विलास हैं ये जीएफएस बिल्डर्स पोजेशन देने वाला है। ये टोटल तकरीबन 15 विलास हैं जो जीएफएस बिल्डर्स पोजेशन देने वाला है। सही। आपको मैं इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ कि आपको जो मॉडल हाउस देखा और इसमें कितना फर्क है। आ जाए। सेम अगेन आप आते हो अंदर, वही कार पार्किंग स्पेस आपकी आ जाती है। सही है। वही मार्बल क्वालिटी आपकी लगी हुई है। इनसाइड अगर आप आते हो, सीलिंग आप देख सकते हो, सीलिंग बना के दे रहा है जीएफएस बिल्डर्स। किचन कैबिनेट्स बना के दे रहा है, स्लिप्स वहां पे लगी हुई है। सही। ठीक है। फिर आप इस तरफ आते हो, जो गेस्ट रूम मैंने आपको दिखाया था, कंप्लीट सीलिंग बन रही है इसकी। ये अभी तकरीबन आप समझ लो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर चीजें फाइनल पोजीशन के ऊपर आ जाएंगी। सही। 1 से 1.5 महीने में। बिकॉज ये लोगों ने 6 महीने के पोजीशन पे
प्लान के ऊपर लिए है। ये आपको मैं मजीद आगे वीडियो में बताता हूँ कम्प्लीट, इसका पेमेंट प्लान स्ट्रक्चर सब चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। बाथरूम यहाँ पे बन रहा है, डक्ट एरिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप अपने तरफ से थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि मुझे बैक यार्ड थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो हमने उनके लिए बड़ा कर दिया। सही। अच्छा इमरान भाई, ये दोनों विलाज हमने देख लिए हैं, ठीक है, ग्राउंड प्लस वन है, एक सिंगल स्टोरी भी देख लिया। अब इसका पेमेंट प्लान क्या है, आप जो बंदा जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए क्या है, कैसे है, क्या मतलब? देखिए रिजवान भाई, मेरे को आपसे सिर्फ दो मिनट चाहिए आपके व्यूअर्स की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, ताकि आप चीज़ कंप्लीट समझ लो। आपसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करूँगा मैं, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशन। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा जो ग्राउंड प्लस वन का जो यूनिट है, इसकी जो एक्चुअल अभी जो प्राइस है वो 1,40,00,000 रुपए है। सही। इसकी नेक्स्ट मंथ से प्राइस रिवाइज होने वाली है, 1,60,00,000 रुपए होने वाली है। सही। बट आपके रेफरेंस से जो कस्टमर्स आएंगे, हम उनको उन्हीं रेटों के अंदर हम देंगे। मजीद ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। सही। ब्लॉक ए के अंदर ऑप्शन ये है कि आप 50% पेमेंट करें, ठीक है, ठीक है, 6 महीने में GFS बिल्डर से आप कब्जा ले लें। सही। जो कब्जा लेने के बाद आप रहते हुए वहाँ पे 50% आप 42 मंथ्स की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप पे कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपको ना कोई बैंक लोन लेना है, ना आपको किसी से उधार लेना है, इंटरेस्ट फ्री आप इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट आप रहते हुए आप पे कर सकते हो। ठीक, ठीक है। सिंगल स्टोरी के ऊपर अगर आप जाते हैं तो सिंगल स्टोरी की प्राइस है 1,10,00,000 रुपये, जो कि अभी न्यू प्राइस हो गई है 1,20,00,000, बट स्टिल हम लोग 1,10,00,000 में देंगे। 50% पेमेंट आप करोगे तो उसके अंदर आपको स्ट्रेट अवे 6 महीने बाद हमसे कब्जा ले लिया जाएगा, आप मतलब आप हमसे कब्जा ले सकते हैं। सही। और वहां पे रहते हुए 42 मंथ्स की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप पेमेंट कर सकते हैं। सही। अच्छा। और सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, ब्लॉक बी के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसमें आप अपने विला की बुकिंग से 15,00,000 रुपए से करवा सकते हैं। सही। और आपके ऊपर है कि आप 6 महीने से लेके 4 साल का मैक्सिमम पेमेंट प्लान आप चूज करें। जो पेमेंट प्लान आप चूज करोगे उस हिसाब से GFS बिल्डर आपको कंस्ट्रक्शन करके डिलीवर आपको कर देगा। ठीक है। अच्छा ये जो विलाज है इनके, एक तो साइज बता दें कितने स्क्वायर फीट पे ये, सेकंड जो ब्लॉक बी आप बता रहे हैं उसमें जो कितने है? देखें ये बेसिकली जो सोसाइटी है बहुत छोटी सोसाइटी है, ठीक है, टोटल 30 एकड़ की जगह है, ठीक है, जहाँ पे 650 विलाज हम लोग बना के दे रहे हैं, GFS बिल्डर बना के दे रहे हैं, ठीक है। और जो विलाज हैं, हर सारे विला 120 स्क्वायर यार्ड का इनका प्लॉट है, ठीक है, और इसका जो कवर्ड एरिया है तकरीबन 2060 स्क्वायर फीट है अप्रोक्सीमेटली, रफली या 2100 होगा या 2060 है, ठीक है, ठीक है। और मैंने विलास का आपको बताया था कि छोटी थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए फैसिलिटीज की सबसे पहली पहली चीज के मस्जिद यहाँ पे तैयार है, ठीक है, आपने अजान भी देखी, ठीक है, और जमात भी होती है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। पार्क्स यहाँ पे ऑलरेडी तैयार है, सही, ठीक है, स्कूल की जगह मुख्तस की हुई है, क्लिनिक की जगह मुख्तस की हुई है, और यहाँ पे पानी बिजली सेवरेज लाइन ऑलरेडी डल चुकी है, बिजली इलेक्ट्रिक सिटी कनेक्शन हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो वेरी सून आपको यहाँ पे की इलेक्ट्रिक की कनेक्शंस भी मिल जाएंगे। अच्छा कोई बंदा बाय कर लेता है तो उसके बाद वो कितने अर्से तक यहाँ पे रिहायश इख्तियार कर सकता है, यानी कि उसको बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पानी गैस ये सारी चीज़ें, ताकि वो कहे यार मैं रहना शुरू कर दूँ। देखें ये हमारा जो ब्लॉक है वो रिहाइश के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, ठीक है, मतलब अभी हम अगले 1 से 2 महीने के अंदर पोजेशन देना शुरू कर देंगे, तो आप 1 साल के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ 100 के करीब फैमिलीज आप यहाँ पे 1 साल के अंदर आप देखोगे, 100 फैमिलीज जो है GFS बिल्डर्स के प्रोजेक्ट नॉर्थ टाउन विलाज में आप यहाँ पे देखेंगे। और आबादी देखें, पहले 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदे से शुरुआत होती है, शुरू करते करते आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी वो लोग फिर अपनी मूवमेंट चालू करते हैं, ठीक है। 15 विलास तो हम लोग 2 महीने के अंदर अभी पोजीशन देने वाले हैं। वेरी सही। और इस जगह का थोड़ा सा कंप्लीट एड्रेस भी गाइड कर दें लोगों को, कहाँ से आना है कैसे है। बिल्कुल, अभी देखें सबसे कन्वीनियंट रास्ता जो है आप 4K चुरंगी से आप स्ट्रेट आते हो, सही, ग्रीन लाइन बस स्टॉप का लास्ट स्टॉप है, आपने वहां से कर लेना है लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू पावर हाउस बना हुआ है और 200 फीट चौड़ा रोड है, 2 मिनट की ड्राइव आपने वहां से करनी, सीधा आप यहाँ पे लोकेशन पर आ जाते हैं। तो पावर हाउस से जैसे ही आप लेफ्ट करते हो स्ट्रेट आओगे, राइट हैंड साइड पे गुलशन शहराज का रोड चल रहा है, गुलशन शहराज वाले रोड पे सीधा आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमारी सोसाइटी बन जाती है,
तो मेन ग्रीन लाइन बस स्टॉप से 2 मिनट की ड्राइव है हमारी सोसाइटी की। और आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो उसको नंबर अब बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहे होंगे, मेरा नंबर मैं बता भी देता हूँ 0300-823-1773 और मेरा दूसरा नंबर है 0331-232-8342। ठीक है, चला, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया।